नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। सनातन धर्म संस्कृति परंपरा अपने आप में इतनी समृद्ध है कि आप इसकी गहराई में जितने गोते लगाएंगे आप उतनी ही गहराई तक पहुंचते चले जाएंगे और जितना कुछ जानेंगे कुछ ना कुछ हमेशा अछूता रह जाएगा। इसी हमारी सनातन धर्म संस्कृति परंपरा में ही नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज हम डॉक्टर आनंद वल्लभ जोशी जी से जानेंगे वास्तव में नवरात्रों का महत्व क्या है, किन किन देवियों की पूजा की जाती है और क्या उसका महत्व है और क्या तरीका है पूजा को ठीक प्रकार से करने का। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। क्या महत्व है हमारी सनातन धर्म संस्कृति परंपरा में नवरात्रों का? हमारी भारतीय संस्कृति में शिव और शक्ति का दो स्वरूप हैं। शिव कल्याणकारी स्वरूप है जो हमारे कल्याण के लिए सर्वत्र कार्य करता है। शक्ति जो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, जैसा महाकुंभ चल रहा है, गंगा के पावन तट पर, नदी के पावन तट पर कुंभ चलता है, उसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में नवरात्रों का विधान है, जहाँ पे मुख्यतः हम शक्ति की आराधना करते हैं। सामान्य रूप से भी देखें तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए शक्ति की आराधना करते हैं। देवताओं को भी, बड़े से बड़े वीरों को भी, जब युद्ध के लिए वो जाते थे, किसी विशिष्ट कार्य के लिए जाते थे, तो वे शक्ति की आराधना करते थे। वस्तुतः चैत्र शुक्ल में और उधर आश्विन शुक्ल में नवरात्रों का विधान है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में एक मूल बात यह है कि हम तो सर्वत्र पूरे वर्ष भर शक्ति की आराधना करते हैं। जैसे 365-364 दिन जो हमारे वर्ष के हैं, हम यदि उसको 9 पूर्ण संख्या है, नवरात्रि में 9 का जो विधान है वो पूर्ण संख्या है। जब हम 365 दिनों को, 364 दिनों को, कई बार 365 दिन, कई बार 364 दिन इस तरह से आते हैं, हम उसे 9 से भाग करते हैं तो वो 44 का विधान चलता है। यदि हम एक तरफ कर दें तो सिर्फ 4 रह जाता है, 0 को हटा दें तो 40 तो पूर्ण संख्या आ जाती है, 4 शेष बच जाता है। अब उन 40 में भी यदि शून्य को हम हटा दें तो 4 का विधान है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में रोज़ रोज़ नित्य प्रति कब आराधना करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ मुख्यतः शास्त्रों ने 4 नवरात्रों का विधान किया है। उस 4 नवरात्रों में भी 2 नवरात्र प्रकट और 2 नवरात्र गुप्त हैं। उधर माघ शुक्ल में और उधर आषाढ़ शुक्ल में गुप्त नवरात्र का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार में भी चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी के मंदिर में गुप्त नवरात्रों में भी जो सिद्ध साधक होते हैं वो अपनी आराधना करते रहते हैं। और जो गृहस्थों के लिए जो प्रचलित बताया गया है वो अपना चैत्र शुक्ल, जो आपका परसों से प्रारंभ होगा, और उधर आश्विन शुक्ल। तो ये शक्ति की आराधना है। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार भी E=mc² में ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है तो मैटर को ही ऊर्जा में हम ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः हम उस शक्ति की आराधना करते हैं। ये नवरात्रों का विधान है, हमें शिव के साथ साथ शक्ति की आराधना करनी है। पहले दिन नवरात्रों के कौन सी देवी की पूजा की जाती है और क्या महत्व है उनका? नवरात्रों में प्रकार स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से एक एक दिन एक एक देवी का विधान है। जैसा कि पहले श्लोक से पता चल जाता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्पांडेति, चतुर्थकम। पहले दिन जो है शैलपुत्री का विधान है और अंतिम दिन फिर सिद्धिदात्री का विधान है। जो नवरात्रों में नवमी पर्यंत हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा की आराधना की जाती है। यदि उसको महत्व को पढ़ा जाए तो वह सब कुछ सुरत, समाधि, सुमेधा, उसमें 3 पात्र मुख्य चलते हैं जहाँ से दुर्गा सप्तशती चल रही है। सुरत ये रथ हमारा शरीर कहते हैं, जब ये क्लांत हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो ये सुमेधा के पास जाता है। सुमेधा ऋषि, वो हमारी बुद्धि है, और जब सब कुछ शांत होकर वो आराधना करता है तो समाधि में चलने लगता है। उस तरह से सूरत, समाधि, सुमेधा के रूप में हम जो आख्यान दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, हम पहले दिन शैलपुत्री का पूजन करते हैं। शैलपुत्री जो है वो पहली देवी मानी गई है। दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी का रूप में धारण करते हैं। तो पहले दिन शैलपुत्री, नवदुर्गाओं में पहले दिन शैलपुत्री का विधान किया जाता है, पूजन किया जाता है, साधना की जाती है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा करते वक्त? अच्छा, जहाँ तक गृहस्थ के ध्यान करने की बात है, उस दिन उसे घट स्थापना करनी चाहिए, शुद्ध पवित्र होकर। जो गृहस्थ के कार्य चलते हैं उसमें एक शब्द आता है, गृहस्थ प्रपंचरत जीवन।
हमें अनेक प्रकार के ऊपर नीचे के कार्य करने पड़ते हैं। सच, झूठ, पाप, पुण्य, कई पाप तो ऐसे हैं जो अनजाने में हमारे से हो जाते हैं, कई हिंसा ऐसी अनजाने में हो जाती है। उस दिन सुबह शुद्ध चित्त होकर नहा धोकर और पहले दिन पहली रात्रि में भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्ध चित्त होकर संकल्प धारण करना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा तो संकल्प दिलाया जाएगा कि मैं इन 9 दिन शुद्ध चित्त होकर भगवती की आराधना करूंगा, उस शक्ति का आराधना करूंगा, उस ऊर्जा का आह्वान करूंगा, ताकि मैं उत्तरोत्तर आध्यात्म स्थूल रूप से, सामाजिक रूप से जो है भौतिक सुखों का उपभोग करता हुआ मैं अंत में मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, आध्यात्म की उन्नति करूंगा। माता की पूजा कैसे की जाए? हमारे यहाँ षोडशोपचार पूजन का विधान है। भगवती की आराधना करने के लिए पहले गणेश की पूजा की जाती है और गणेश हमारे गण के ईश हैं, उनकी पूजा करने के बाद नवग्रह की पूजा की जाती है। ओमकार, श्री, चतुष्टि, योगिनी और आपका वास्तु पूजन किया जाता है और कलश की स्थापना की जाती है। कई बार तो देवी का चित्र या देवी की प्रतिमा हम अलग से लगा देते हैं, लेकिन घटों पर ही, घट के ऊपर ही, घट हमारा ये पिंड है, ये शरीर है पूरा, हम उस घट के ऊपर ही वरुण देवता का, विष्णु आदि देवताओं का पूजन करते हैं और उसी के ऊपर हम देवी की आराधना करते हैं, देवी का पूजन करते हैं। उसके लिए षोडशोपचार पूजा है, पहले ध्यान किया जाता है, आवाहन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है, पाद्योपाद्यम हस्त्रोर्घ्यम अर्घ्य दिया जाता है, फिर पंचामृत स्नान कराया जाता है, फिर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर तिलक धारण कराया जाता है और उसके बाद अक्षत धारण कराया जाता है। इस तरह से करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, पान आदि के द्वारा षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। और केवल षोडशोपचार जो भौतिक पूजन है उसके साथ साथ हमें उस 24 घंटे में उस देवी का ही स्वरूप का ध्यान करना पड़ता है। ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है, वह इस जीवन में हमें समस्त सुखों की उपलब्धि कराती है और हमें अनेक प्रकार के संकटों से, कष्टों से भी हमारा रक्षा करती है। पूजा के दौरान प्रसाद एक अहम हिस्सा माना जाता है, तो माता की जब हम पहले दिन पूजा करेंगे नवरात्रों के दौरान, तो क्या क्या चीज़ें प्रसाद में शामिल की जा सकती हैं जो विशेष तौर पर पहले दिन के लिए ही हो सकती हैं? हाँ, प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री जो है हिमालय कन्या है और जब हम उसकी आराधना करते हैं उसके बाद हम उत्तरोत्तर जब वृद्धि की ओर चलते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो पहले दिन अच्छा है कि हम अपने हाथ से द्वारा निर्मित जो है भोजन, वहाँ जो प्रसाद अर्पण करना चाहिए और मुख्यतः यदि शुद्ध ये मेवे आदि के जो हैं, जो पंचमेवा जिसको कहा जाता है, उसकी हम अर्पण देवी को, भगवती को करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और एक भावना ये भी की जाती है, केवल प्रसाद ही नहीं, प्रसाद का तो बहुत महत्व है, क्योंकि गृहस्थ के रूप में नर भी है, नारी भी है, पति भी है, पत्नी भी है और कोई भी पत्नी, पुरुष जो है जब किसी अर्थ का संचय करता है, किसी उपलब्धि को करता है, तो वो पूरे परिवार में उसको वितरित करना चाहता है। इसी प्रकार से नारी पत्नी रूप में, जो माता के रूप में, पत्नी के रूप में, भारिया के रूप में, वो अपने समग्र परिवार की जो है कल्याण की कामना करती है, तो उसे भगवती को प्रसाद के साथ साथ श्रृंगार की भी सामग्री अर्पण करनी चाहिए। श्रृंगार की भी सामग्री जैसे दर्पण है, कंघी है, स्त्री की सामग्री अर्पण करनी चाहिए। बहुत बढ़िया दार्शनिक विवेचन वहाँ पर दिया हुआ है, देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जाई। हे देवी, मुझे देही सौभाग्यम आरोग्यम, मुझे सौभाग्य सुख दो, मुझे पति सुख दो, देही सौभाग्य आरोग्यम, देही में परमम सुखम, उसी में मेरा परम सुख है। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही, एक तो यह है कि मैं सुंदर बनूं, रूपम देही, जयम देही, मुझे जय प्रदान करो, मेरे मुकदमे है, मेरा संघर्ष है, मेरा परिश्रम है, उससे मुझे जय प्रदान करो। एक दूसरा भी इसका अर्थ है, हे देवी, रूपम देही, मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराओ, मेरा स्वरूप तो बनेगा ही बनेगा, मुझे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अपने स्वरूप के दर्शन कराओ। जयम देही, जय ये बाहरी रूप की जय नहीं है, मैं अपनी इंद्रियों के रूप में जो मेरे अंदर मन के विकार हैं मैं उसमें जय प्राप्त करूँ। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जाही, दिशो जाही, यशो देही, मुझे यश प्राप्त हो, मैं उस आत्म साक्षात्कार के द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करूं और दिशो जाही, मैं सही दिशा की ओर अग्रसर जाऊं। तो इस प्रकार से भगवती की आराधना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नवरात्रों का महत्व क्या है, पहले दिन किन देवी की पूजा होती है, किस तरह से पूजा की जाती है, क्या उसका महत्व होता है और किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से आपको परिचित कराने के अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हुए अगली वीडियो में मिलते हैं नवरात्रों से जुड़ी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।